emergency can happen to anyone, anywhere. But just by knowing how to react in an emergency condition, what steps are we supposed to follow, we can save the life of our loved ones and for that matter any unknown person on road. Suppose आप कहीं road पे जा रहे हैं, कोई road traffic accident आप देखते हैं, वहाँ आप देखते हैं कि कोई एक patient है जो कि unconscious है. You don't know the patient, but as per your social responsibility, being from the medical background, आपकी ये duty बनती है कि आप अपनी तरफ से best efforts वहाँ पर दें ताकि एक जान को वहाँ पे, एक ज़िंदगी को वहाँ पे बचाया जा सके. इसके लिए एक simple सा तरीका होता है जिसे हम कहते हैं CPR. CPR is cardio pulmonary resuscitation. सिर्फ दो कंडीशन के अंदर CPR इंडिकेटेड होता है. पहला कार्डियक इमरजेंसी, सेकेंड जैसे हम कहते हैं कार्डियक अरेस्ट, या फिर आप कह सकते हैं कि दूसरा हमारा होता है रेस्पिरेटरी अरेस्ट. ठीक है, दो कंडीशन के अंदर हम इस प्रोसीजर को करते हैं. नाउ सपोजिंगली आप कहीं जा रहे हैं, या फिर मान लीजिए कि आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बाजार में या फिर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के अंदर कोई ऐसा पेशेंट है जो कि अनकॉन्शियस हो जाता है. पहला स्टेप जो हमें फॉलो करना होता है वो ये करना होता है कि पहले हम उसे पैट करते हैं. पैट मतलब थपथपाना, भैया आप ठीक हैं, भैया आप ठीक हैं, पूछिए, देखिए. लेकिन अगर वो अनरेस्पॉन्सिव है, यानी डेफिनेटली समथिंग इज सीरियस. ठीक है, समथिंग इज सीरियस. इस कंडीशन के अंदर अब हमें हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर करना है. CPR कब किया जाता है, किन किन कंडीशन में किया जाता है, ये मैं आपको बताऊंगी. दो चीजें मैंने आपको बताई है, कार्डियक अरेस्ट, एक रेस्पिरेटरी अरेस्ट. हमारा दिमाग बेसिकली जो CPR का पर्पस है वो ये होता है, ये नहीं है कि हम हार्ट बीट को दोबारा से लेकर के आ रहे हैं. बेसिक पर्पस ऑफ CPR ये होता है कि हमारी बॉडी के जितने टिश्यूज हैं उसके अंदर बंद कर देता है. उस कंडीशन के अंदर हमारी बॉडी के जो टिश्यूज हैं, एंड स्पेशली हमारा ब्रेन, उसको ब्लड सप्लाई मिलना बंद हो जाता है, ऑक्सीजन सप्लाई मिलना बंद हो जाता है, एंड दिस कैन लीड टू अ सीरियस ब्रेन इंजरी, अ परमानेंट ब्रेन इंजरी. ब्रेन हमारा ऑन एन एवरेज 6 मिनट तक तो सर्वाइव कर लेगा, लेकिन 6 मिनट के अंदर उसको परमानेंट इंजरी तक हो सकती है अगर उसे ऑक्सीजन सप्लाई, ब्लड सप्लाई ना दिया जाए. तो बेसिकली जो हमारा CPR का रोल है वो ये है कि हम जो ये एक्टिविटीज, जो स्टेप्स अभी फॉलो करेंगे, वो इसलिए किया जाता है कि हमारे ब्रेन को, हमारे टिश्यूज को ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई मिलता रहे. पहला स्टेप मैंने आपको बताया, पेशेंट को पैट करना, आप ठीक है, रिस्पॉन्ड करें वो. अगर वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कई बार क्या होता है, वेसोवेगल अटैक होता है, हाइपोग्लाइसेमिक अटैक होता है, तो पेशेंट बैठ जाएगा, आप उसका लेग एलिवेट करेंगे, पेशेंट का कॉन्शियसनेस रीगेन हो जाएगा. बट अगर इतना करने पर भी पेशेंट का कॉन्शियसनेस रीगेन नहीं हो रहा है, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, आप उसके चेस्ट लेवल पे आकर के उसका चेस्ट का मूवमेंट देखें कि चेस्ट इन्फ्लेट डिफ्लेट हो रहा है, तब तो वो सांस ले रहा है. अगर ये भी नहीं हो रहा तो फिर आवर नेक्स्ट स्टेप इज टू चेक द पल्स. कहाँ चेक करेंगे आप, कैरोटिड पे चेक करते हैं. कैरोटिड आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका है ट्रेकिया और साइड ऑफ द नेक, जो मसल है हमारी, इसके बीच में. अगर आप ट्रेकिया को आपने 3 फिंगर से टच किया, थोड़ा सा आप स्लाइड करेंगे, तो आप खुद अपना का फील करके देखें कि आपको एक पल्स बीट होती हुई नजर आएगी, फील आएगी, पल्स चल रही है, क्योंकि हम सब जिंदा हैं, ये हमारी कैरोटिड पल्स है. ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप इज टू फील द कैरोटिड पल्स बिटवीन ट्रेकिया एंड द मसल ऑफ द नेक. ठीक है, अगर वो कैरोटिड चल रही है तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि हार्ट बीट कर रहा है, यानी हमें अभी हार्ट बीट पे कंसंट्रेट नहीं करना, हमें कंसंट्रेट करना है ब्रीदिंग पे. ठीक है, सपोज अगर आप कैरोटिड फील नहीं कर पाते, इसका इंडिकेशन ये है कि नाउ आई हैव टू स्टार्ट CPR. ठीक है, कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिटेशन. CPR के दो स्टेप्स होते हैं, फर्स्ट इज कार्डिक मसाज, सेकेंड इज आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन या वेंटिलेशन. ठीक है, कार्डिक मसाज देने का बेस्ट तरीका है, हमें एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है फ्रॉम 1 निप्पल टू 2nd निप्पल. ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन, देयर इज नो एक्चुअल लाइन, आप सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं कि एक लाइन जा रही है स्टर्नम पे, बिल्कुल 2 निप्पल्स के बीच में जो लाइन आ रही है, दैट इज अ पार्टिंग लाइन और इमेजिनरी लाइन. उससे थोड़ा नीचे उतरे स्टर्नम के ऊपर, जैसा आपको कि इस डमी के अंदर प्रोट्रूडिंग दिखाई दे रहा है, ये स्टर्नम. ठीक है, मेरे हाथ पे ध्यान दीजिएगा, मेरे हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे. मैंने अपना फर्स्ट
first right hand because I am a righty. मैंने रखा, मैंने अपने left hand से अपने fingers को इसके अंदर tighten up करा. मेरे हाथ यूं नहीं होंगे, मैं उस पे lean नहीं होंगे, मेरे हाथ straight रहेंगे. मेरे हाथ जितने straight रहेंगे, उतना ही better pressure मैं इसके ऊपर apply कर पाऊंगी. कितना pressure मुझे apply करना है? 5 to 6 centimeter down मुझे जाना है, ठीक है? 5 to 6 centimeter down. मैं ऐसे गई, मेरे हाथ bending नीचे, दिख रहा है? Okay. Now, कितनी देर तक मुझे ये करना है? मुझे at least अपनी frequency इस हिसाब से रखनी है कि कम से कम 100 से 120 compressions मैं एक मिनट में देता हूँ, ठीक है? यानी that makes it really fast. मुझे ये जल्दी जल्दी करना. दूसरा तरीका हो सकता है आप हॉस्पिटल सेटअप के अंदर हो या कहीं हो और कोई पेशेंट सिंकोपी में आ जाए, तब तो आप ब्रीदिंग के टाइम पे उसके लेग को जो उसका नेक है उसको आप एलिवेट कर सकते हैं. बट रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में कभी भी उसे अननेसेसरली मूव ना करें, बिकॉज यू नेवर नो, हो सकता है कोई नेक इंजरी हुई है, हो सकता है गर्दन की हड्डी टूटी है, ठीक है? तो उसको कम से कम हिलाते हुए हमें उसको ये रेसुसिटेशन देना है, ठीक है? 100 से 120 पर मिनट हमें करने हैं. रेशो हमारा क्या रहेगा? 30 कंप्रेशन, 2 ब्रेथ. ओके, मैं पहले 30 कंप्रेशन दूंगी, फिर मैं 2 ब्रेथ दूंगी. 30 कंप्रेशन, वैसे ही मेरा हाथ स्ट्रेट, इसमें मैंने टाइटन अप करा, नो बेंडिंग, स्ट्रेट, एंड देन स्टार्ट काउंटिंग कि मैं कितना दे रही हूँ. दूसरा, हमेशा अपनी स्पीड एक सार रखें, ज़्यादा फास्ट ज़्यादा धीरे धीरे. जैसे सपोज ऐसे नहीं करना, फिर मैं धीरे हो गई, फिर मैं फास्ट हो गई, नहीं, एक ही स्पीड से करना है. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ऐसे करके मुझे 30 कंप्रेशन देने, 30 कंप्रेशन फॉलोड बाय 2 ब्रेथ. मेरे को इसको माउथ टू माउथ देना, ठीक है? मैं सांस अंदर भरूंगी, इसमें छोड़ूंगी, मैं अगेन सांस भरूंगी, इसमें छोड़ूंगी, ठीक है? अब आप ये सोचेंगे कि मैं तो एक्सहेल कर रही हूँ, मैं तो अपनी इम्प्योरियर बाहर निकाल रही हूँ और इसको दे रही हूँ, तो इससे काम कैसे चलेगा? हमारी एक्सहेल एयर के अंदर भी कम से कम 16% ऑक्सीजन होती है, जो एक ऐसे पेशेंट के लिए काफ़ी है जो बिल्कुल भी ब्रीद नहीं कर पा रहा. मेरा इसको आर्टिफिशियल वेंटिलेशन देने का एम ये है कि मेरी ऑक्सीजन इस तक जाए और इसके ब्रेन तक जाए, सो दैट ब्रेन या टिश्यूज ऑक्सीजन डिप्राइव्ड ना हो, जिससे कि परमानेंट इंजरीज हो सकती है. मेरा चेस्ट कंप्रेशन देने का औचित्य सिर्फ ये है कि मैं जब इसे कंप्रेस कर रही हूँ तो जो ब्लड सर्कुलेशन रुक गया है, हार्ट पंप नहीं कर रहा है, तो उसको ट्रिगर मिलेगा और फिर वो ब्लड जो है उसको पंप करने लगेगा, यानी टिश्यूज को ब्लड सप्लाई मिलने लगेगा. तो मैंने जैसा आपको स्टार्टिंग में बताया था, ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन, मैं दोनों इस तरीके से मैनेज कर पा रही हूँ. 30 कंप्रेशन, 2 ब्रेथ, 30 कंप्रेशन, 2 ब्रेथ, ऐसा मैं 5 साइकिल्स करूँगी, 30 to 2. अगर मेरे इतना कर लेने के बाद में भी ये नहीं रिवाइव हो रहा है, देन समथिंग इज सीरियस. ये एक प्रोसीजर ऐसा है जो हम तब तक तो फॉलो कर सकते हैं जब तक कि कोई मेडिकल एड हमें नहीं मिल जाती, ठीक है? फर्स्ट हमारा एम यही होना चाहिए कि जब हम कभी रास्ते में किसी विक्टिम को देखते हैं, पहले उसे एक सेफ जोन में लेकर के जाएं. सपोज सेफ जोन से मेरा मतलब है वो ब्लड स्प्लैश पे तो नहीं पड़ा, मैं उसको थोड़ा साइड में लेके ये काम कर सकती हूँ, वो किसी आग में तो नहीं घिरा हुआ, बिकॉज योर सेफ्टी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो मैं उसको एक सेफ जोन में लेके जाऊँगी, पैट करूँगी, नहीं उठा, ब्रीदिंग चेक करूँगी, उसका चेस्ट ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं, कैरोटिड चेक करूँगी, एंड देन आई स्टार्ट माई कंप्रेशन एंड ब्रेथ. बाय द टाइम मेडिकल एड हमें मिल जाएगी, जैसे हम 108 को कॉल करके बुला सकते हैं या फिर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर कॉल करके हम बुला सकते हैं. यही चीज़ जब अगर हमारे किसी हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर होगी तो इतना टाइम तो हमें चाहिए होता है जब तक कि हमारी कोड ब्लू टीम वहाँ तक पहुँचे और हेल्प अपनी दे सके. वहाँ थोड़ा कंडीशन ज़्यादा बेटर होती है बिकॉज हमारे पास में क्रैश कार्ट है हमारे पास में, बिकॉज इसका नेक्स्ट स्टेप होता है डीफिब. डीफिब हमें रास्ते में डेफिनेटली कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन हॉस्पिटल सेटिंग में हमारे पास में डीफिब मौजूद है जहाँ पे हम हार्ट बीट्स को दोबारा रिवाइव कर सकते हैं, ठीक है? सो ये एक बेसिक तरीका है जहाँ पे हम अपना योगदान दे सकते हैं समाज के अंदर, हम एज अ हेल्थ केयर वर्कर्स, हम एज अ
कॉमन पीपल हम मदद कर सकते हैं उन लोगों की, अपनी मदद उन तक पहुंचा सकते हैं जब तक कि कोई बड़ी मदद उन तक पहुंचती है. सो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, इतने ध्यान